ठीक है बच्चों, अब आ जाओ प्रॉपर्टी नंबर एट में। प्रॉपर्टी नंबर एट में क्या है, इफ वन रो इज अ मल्टीपल ऑफ अदर रो देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट विल बी जीरो। इसका क्या मतलब है, अगर हाँ यहां मैंने रो बोला तो ये कॉलम के लिए भी इक्वली वैलिड है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी एक रो अगर किसी भी दूसरे रो का मल्टीपल है, दूसरे रो का मल्टीपल होने का मतलब क्या है, मान लो कि आर टू जो है ना, आर टू जो रो है, सेकेंड रो है, वो लैम्डा टाइम्स आर वन है। लैम्डा टाइम्स आर वन बोलने का मतलब कि आर टू रो के हर एक एलिमेंट को तुम आर वन रो के क्रॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में लैम्डा मल्टीप्लाई करके ऑब्टेन कर सकते हो। तो अगर ऐसा है, आर टू रो आर वन रो का मल्टीपल है, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो हो जाएगा। या कोई भी कॉलम किसी दूसरे कॉलम का मल्टीपल है तो भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो हो जाएगा। इसको हम कैसे समझेंगे, तुम ऐसे देखो, मान लो हमारे पास एक डिटर्मिनेंट ऐसे दे रखा है, ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू, और यहाँ दे रखा है लैम्डा ए वन लैम्डा बी वन लैम्डा सी वन। तो यहाँ पे क्या है कि जो हमारा आर थ्री है ना, आर थ्री वो आर वन का मल्टीपल है। क्यों है मल्टीपल, बिकॉज आर थ्री रो के हर एक एलिमेंट को हम आर वन रो के क्रॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट से, आर वन रो के एलिमेंट से हम लैम्डा मल्टीप्लाई करके ऑप्टेन कर सकते हैं। जैसे ये लैम्डा ए वन कैसे मिलेगा, ए वन को हमने लैम्डा से मल्टीप्लाई किया, आर वन रो का जो एलिमेंट है ए वन उसको हमने लैम्डा मल्टीप्लाई किया, तो ये आर थ्री रो का पहला एलिमेंट हो गया। अब आर वन रो के सेकंड एलिमेंट को हमने लैम्डा से मल्टीप्लाई किया तो आर थ्री रो का ये दूसरा एलिमेंट हो गया। अब आर थ्री रो के आर वन रो के थर्ड एलिमेंट को हमने लैम्डा से मल्टीप्लाई किया तो आर थ्री रो का ये तीसरा एलिमेंट हो गया। तो यहाँ पे क्या है, आर थ्री रो जो है ना वो आर वन रो का मल्टीपल है, तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो हो जाएगा। या कोई भी एक रो एक कॉलम किसी दूसरे कॉलम का मल्टीपल है तो भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा वो ऐसे तुम देख लो, हमने क्या बोला कि आर थ्री रो में लैम्डा कॉमन फैक्टर है तो लैम्डा हम बाहर निकाल सकते हैं, ये प्रॉपर्टी बताया था मैंने। तो ये क्या हो गया, ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू, और ये क्या हो गया, ए वन बी वन सी वन। तो यहाँ पे बच्चों देखो क्या है कि जो हमारा आर वन है और आर थ्री है ये एक दूसरे का आइडेंटिकल हो गया, ये आइडेंटिकल रो हो गए ना। तो मैंने बोला था ना कि अगर कोई भी दो रोज या कोई भी दो कॉलम्स अगर आइडेंटिकल हो गए तो डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू जीरो, डेट इज़ जीरो। अब जैसे ये कॉलम के लिए भी वैलिड है, मान लो कि हमारे पास ऐसे लिखा है लैम्डा ए वन लैम्डा बी वन लैम्डा सी वन, फिर दे रखा है ए टू बी टू सी टू, फिर ये दे रखा है ए वन बी वन सी वन। अब देखो ये जो हमारा सी वन कॉलम है ना, फर्स्ट कॉलम, वो थर्ड कॉलम का मल्टीपल है, तो हमने अगर इसे लैम्डा बाहर निकाला तो लैम्डा बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम आइडेंटिकल हो जाएगा, तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो, तो जीरो। तो ये बहुत ही एलिमेंट्री सा है प्रॉपर्टी, याद रखोगे इसको। तो ये था हमारा प्रॉपर्टी नंबर एट, इफ़ वन रो और कॉलम इज अ मल्टीपल ऑफ अदर रो कॉलम देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी जीरो। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बच्चों आ जाओ, यहाँ पे यही बताया गया तुम्हें, यहाँ पे थोड़ा अपने पीडीएफ में करेक्ट कर लेना, यहाँ मैंने सी टू लिख दिया, ये सी वन है। तो डेल्टा हमारे पास एक डिटर्मिनेंट दे रखा है 4x4 ऑर्डर का, हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। तो यहाँ पे देखो जो हमारा सेकंड कॉलम है फर्स्ट कॉलम का मल्टीपल है तो डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो हो जाएगा। यहाँ पे देखो जो हमारा थर्ड रो है वो फर्स्ट रो का मल्टीपल है तो भी डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो हो जाएगा। अब आ जाओ प्रॉपर्टी नंबर नाइन में। प्रॉपर्टी नंबर नाइन क्या है कि लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच डैट ईच एलिमेंट, हमारे पास ए को स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा है, सच डैट ईच एलिमेंट ऑफ ए रो कॉलम ऑफ ए इज एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू और मोर टर्म्स, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ टू और मोर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक है, उस मैट्रिक्स का कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम, एनी वन रो और एनी वन कॉलम, अगर हमारे पास एक से ज़्यादा टर्म्स के सम में लिखा है तो तुम उस मैट्रिक्स को या फिर उस डिटर्मिनेंट को तुम एक से ज़्यादा डिटर्मिनेंट के सम में लिख सकते हो। नहीं आ रही है बात समझ में, मैंने क्या बोला कि हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट है, ठीक है, उस डिटर्मिनेंट का कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम एक से ज़्यादा एलिमेंट्स के टर्म में लिखा हुआ है तो तुम उस डिटर्मिनेंट को एक से ज़्यादा डिटर्मिनेंट के सम में लिख सकते हो। देखो जैसे हमारे पास ये एक डिटर्मिनेंट दे रखा है, इसके तुम फर्स्ट रो को देखो, फर्स्ट रो में क्या है कि दो दो एलिमेंट का सम है, तो तुम इस डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट के सम में लिख सकते हो। कैसे लिखोगे वो देखो, इसमें फर्स्ट रो है ना ये दो एलिमेंट का सम है, सेकंड रो और थर्ड रो को हम चेंज नहीं करेंगे, तो इसको हमने कैसे लिख दिया, ए वन
A1, A2, A3 पहला पहला एलिमेंट लिख दिया, फिर B1, B2, B3, C1, C2, C3 लिख दिया, सेकेंड रो सेकेंड और थर्ड रो हमारा चेंज नहीं हुआ, और यहाँ पे हमने क्या किया, α1, α2, α3 लिख दिया, दूसरा एलिमेंट लिख दिया, B1, B2, B3 और C1, C2, C3, ये हमारा सेकेंड रो थर्ड रो बन गया। बट ध्यान में तुम्हें क्या रखना है कि तुम ये α1 यहाँ भी लिख सकते थे, A1 यहाँ भी लिख सकते थे, बस तुम्हें ध्यान में रखना क्या है कि A1 प्लस α1 ये इन दोनों का सम A1 प्लस α1 हो जाना चाहिए। मतलब क्या है कि तुम इसको ऐसे देखो, A1 B1 A1 A2 B1, ठीक है, जैसे तुम ऐसे देखो क्या बोलना जा रहा है। यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा है, A1 α1, A1 प्लस α1 दिया λ1 मान लो, प्लस A2 प्लस λ2, और ये क्या हमारे पास A3 प्लस λ3, और मान लो ये लिखा है B1 B2 B3 और C1 C2 C3 ऐसे लिखा है। तो हमने क्या देखा कि हमारा जो सेकेंड है, फर्स्ट रो है, वो दो एलिमेंट के टर्म्स में रिप्रेजेंट है, मतलब दो एलिमेंट्स के सम में गिवन है, तो हम इसको दो डिटर्मिनेंट के सम में भी लिख सकते हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A1 प्लस λ1 A2 या λ3, और ये जो हमारा सेकेंड रो है ये चेंज नहीं होगा, C1 C2 C3 प्लस डिटर्मिनेंट A1 प्लस λ1 यहाँ हो गया तो यहाँ 0 लिख दिया, यहाँ A2 है तो यहाँ λ2 लिख दिया, यहाँ λ3 है तो यहाँ A3 लिख दिया, और यहाँ B1 B2 B3 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, C1 C2 C3, ठीक है। बस तुम्हें ध्यान में क्या रखना है कि जिस रो को हम चेंज कर रहे हैं ना, उस रो के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का सम A1 प्लस λ1 होना चाहिए। यहाँ भी देखो A2 प्लस λ2 है, यहाँ भी देखो A3 प्लस λ3 है, तो अगर मान लो ये तीन एलिमेंट्स के सम में होता तो तुम इसको तीन डिटर्मिनेंट के सम में लिख सकते थे। ये रो के लिए भी वैलिड है, कॉलम के लिए भी वैलिड है। मान लो कि हमारे पास एक डेल्टा ऐसे गिवन है, A1 प्लस λ, A2 प्लस म्यू, A3, और यहाँ पे होगा B1 B2 B3 ऐसे गिवन है, ये हो गया हमारे पास C1 C2 C3 ऐसे गिवन है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा म्यू A3 या लैम्डा प्लस A1 ऐसे लिख दिया, और ये सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम को हमने चेंज नहीं किया, C1 C2 C3 रहने दिया। अब प्लस डिटर्मिनेंट लिख दिया, डिटर्मिनेंट यहाँ पे तो ये A1 प्लस λ1 लिख दिया हमने, तो म्यू है तो यहाँ तो 0 आ जाएगा, म्यू है तो यहाँ A2 आ जाएगा, यहाँ A3 है तो यहाँ भी 0 आ जाएगा। अब यहाँ क्या लिख दिया, B1 B2 B3 लिख दिया, और ये C1 C2 C3 लिख दिया, ऐसे करके तुम लिख सकते हो। बस ध्यान में क्या रखना है कि जिस कॉलम को हम चेंज कर रहे हैं ना, उस कॉलम के एलिमेंट्स का जो सम होना चाहिए वो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट के कॉलम के इक्वल होना चाहिए। जैसे A1 प्लस λ है ना यहाँ पे, तो यहाँ भी देखो A1 प्लस λ प्लस 0, तो ये क्या हो जाएगा, A1 प्लस λ, ये म्यू प्लस A2 हो जाएगा, ये A3 हो जाएगा। ये कॉलम के लिए भी वैलिड है, रो के लिए भी वैलिड है, ठीक है। तो ये भी प्रॉपर्टी हो गया, ये हमारा था प्रॉपर्टी नंबर 9। अब जैसे इसको देख लो, हमने क्या लिखा, A1 प्लस α1 हमारा जो फर्स्ट कॉलम है वो दो एलिमेंट्स के सम में है, तो हमने इसको दो डिटर्मिनेंट के सम में लिख दिया, A1 को अलग, A1 A2 A3 को फर्स्ट कॉलम में यहाँ रख दिया, α1 α2 α3 को यहाँ फर्स्ट कॉलम में रख दिया, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर सकते थे, A1 प्लस α1 यहाँ लिख सकते थे, यहाँ 0 लिख सकते थे, ये भी चलेगा। अब यहाँ पे हमारे पास देख लो, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, हमारे पास जो फर्स्ट रो है वो क्या लिखा हुआ, R1 प्लस R1 डैश, ठीक है, मतलब फर्स्ट रो जो है वो दो एलिमेंट्स के सम में रिप्रेजेंट है, तो उसको हमने दो डिटर्मिनेंट के सम में कर दिया। यहाँ पे हमारा जो सेकंड कॉलम है C2 प्लस C2 डैश है, C2 प्लस C2 डैश लिखने का क्या मतलब हो गया कि जो इस डिटर्मिनेंट का जो सेकंड कॉलम है ना, उसमें दो दो एलिमेंट्स हैं, तो सेकेंड कॉलम में दो दो एलिमेंट्स है, तो हमने इसको दो डिटर्मिनेंट के सम में लिख दिया। यहाँ पे एक पहले C2 यहाँ लिख दिया, फिर C2 डैश यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब आ जाओ प्रॉपर्टी नंबर 11 में। प्रॉपर्टी नंबर 11 जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये पूरे चैप्टर में सबसे ज़्यादा ये प्रॉपर्टी यूज़ होगा, ठीक है। इस प्रॉपर्टी में क्या बोल रहा है कि इफ़ ए बी अ मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स एंड बी बी अ मैट्रिक्स ऑब्टेन फ्रॉम ए बाय एडिंग टू अ रो कॉलम ऑफ ए स्केलर मल्टीपल ऑफ अनदर रो कॉलम ऑफ ए, देन डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मतलब क्या बोल रहा है, तुम इसको समझो, इसमें ऐसे भी इसको पढ़ लो, इफ वी एड इन अ रो कॉलम एनी मल्टीपल ऑफ अनदर रो कॉलम देन वैल्यू रिमेन्स अनचेंज्ड। मतलब क्या बोल रहा है कि तुम इसको ऐसे देखो, हमारे पास, चलो उससे पहले ये देख लेते हैं यहाँ पे क्या दे रखा है। हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है,
ठीक है। इसमें हमने क्या किया, फर्स्ट रो को एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है। इस ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स में देख लो क्या डिफरेंस है। बी मैट्रिक्स को हमने कैसे ऑब्टेंड किया है कि हमने फर्स्ट रो के हर एक एलिमेंट को के टाइम्स सेकेंड रो कर दिया है, सॉरी सेकेंड कॉलम कर दिया है। फर्स्ट कॉलम के हर एक एलिमेंट को हमने के टाइम्स, मतलब ऐसे बोलो कि हमने फर्स्ट रो में क्या किया है, फर्स्ट रो में सेकेंड, सॉरी अगेन फर्स्ट रो बोल रहा हूँ, फर्स्ट कॉलम में हमने सेकेंड कॉलम के मल्टीपल्स को के टाइम्स मल्टीपल्स को ऐड कर दिया है। मतलब क्या किया हमने, पहले कॉलम, ये सेकेंड कॉलम के पहले एलिमेंट को कैसे मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो में ऐड कर दिया। फिर दूसरे कॉलम के एलिमेंट को कैसे मल्टीप्लाई किया, सेकेंड एलिमेंट में ऐड कर दिया, फर्स्ट कॉलम के सेकेंड एलिमेंट में ऐड कर दिया। तीसरे दूसरे कॉलम के थर्ड एलिमेंट को कैसे मल्टीप्लाई किया और पहले कॉलम में ऐड कर दिया। तो ऐसा करने पे हमें ये बी मैट्रिक्स मिल गया। तो यहाँ बोला क्या जा रहा है कि ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट और बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट सेम होगा, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। मतलब क्या है, तुम किसी भी रो को किसी दूसरे रो के मल्टीपल्स उसमें ऐड कर दो, या किसी भी कॉलम्स को किसी भी कॉलम में किसी दूसरे कॉलम्स के मल्टीपल को ऐड कर दो, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है पूरे डिटर्मिनेंट में, सबसे जो ज़्यादा यूज होगा वो ये प्रॉपर्टी नंबर 11 यूज होगा, ठीक है। इसमें क्या बोला जा रहा है कि मान लो कि हमारे पास फर्स्ट रो है, हमने क्या किया, सेकंड रो के हर एक एलिमेंट को लैम्डा से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो के क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट में ऐड कर दिया, डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा। अगर हमने फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को लैम्डा से मल्टीप्लाई करके थर्ड कॉलम में ऐड कर दिया तो भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा, ये बोला जा रहा है। इसको यहाँ पे मैंने प्रूफ भी किया है। बी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को हमने ऐसे लिखा, उसके बाद क्या किया, अभी जो प्रॉपर्टी नंबर 10, 9 यूज़ किया हमने, ये प्रॉपर्टी नंबर 10 है जो हमने अभी प्रॉपर्टी 9 में क्या किया है। 9 में बोला था ना कि अगर कोई भी रो और या कॉलम अगर दो एलिमेंट के सम में है तो उसे तुम दो डिटर्मिनेंट के सम में लिख सकते हो। तो यहाँ पे हमने क्या किया, प्रॉपर्टी नंबर 9 यूज़ करके इसे दो डिटर्मिनेंट के सम में लिख दिया। तो पहले में क्या लिखा, A1, A2, A3 पहले कॉलम में लिखा। दूसरे डिटर्मिनेंट में क्या किया हमने, KB1, KB2, KB3 रख दिया। सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो फर्स्ट कॉलम है इसमें K कॉमन फैक्टर है तो K को हमने बाहर निकाल दिया। तो K को बाहर निकाला तो हमें क्या मिल गया कि फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम आइडेंटिकल हो गया, तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो K इंटू जीरो ये पूरा जीरो हो जाएगा। तो हमें क्या मिला, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 ये किसके इक्वल है, डिटर्मिनेंट A के इक्वल है। तो B का डिटर्मिनेंट और A का डिटर्मिनेंट इक्वल आ गया, ठीक है ना। एक बार लास्ट बार और मैं इस प्रॉपर्टी में क्या बोल रहा हूँ कि तुम किसी भी रो को के एलिमेंट को किसी दूसरे रो के एलिमेंट के एक किसी ऐसे बोलो कि अगर मैंने किसी भी रो को किसी दूसरे रो के मल्टीपल से मैं ऐड कर दिया तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा, ठीक है। या मैंने कोई भी कॉलम उठाया किसी दूसरे कॉलम के उसके मल्टीपल्स उसमें ऐड कर दिए तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा, ठीक है। किसी दूसरे कॉलम का मल्टीपल ऐड करने का क्या मतलब हुआ कि अगर हमने कॉलम 1 उठाया और कॉलम के 2 के हर एक एलिमेंट को के से मल्टीप्लाई करके कॉलम 1 के क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स में ऐड कर दिया, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा। मान लो हमने रो 1 उठाया, रो 3 के हर एक एलिमेंट को के से मल्टीप्लाई करके रो 1 के क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स में ऐड कर दिया तो भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, याद रखोगे। यहाँ पे जैसे तुम देखो, फर्स्ट एग्जांपल तो हो गया, सेकंड में क्या दे रखा है, हमारे पास एक डेल्टा दे रखा है, एक डिटर्मिनेंट दे रखा है 3x3 ऑर्डर का। हमने इस डिटर्मिनेंट में क्या किया कि R1 रो को चेंज किया। ऐसे लिखने का क्या मतलब है, R1 एरो R1 प्लस 2R2, इसका मतलब क्या है कि ये दो R1 लिखा है ना, इसका मतलब कि R1 रो चेंज हो रहा है। R1 रो में हम क्या कर रहे हैं, R2 के हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करके R1 के क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स में ऐड कर रहे हैं। तो ऐसा करने पर डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा। देखो ये R1 का एलिमेंट क्या हमारे पास 125, R2 में यहाँ हमने 2 मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 0, 0 को 1 में ऐड किया तो 1 रह गया। अब फिर क्या, यहाँ पे हमने 2 मल्टीप्लाई किया तो हो गया 14, 14 को हमने 2 में ऐड किया तो ये 16 हो गया। या हमने 2 मल्टीप्लाई किया तो 6 प्लस 5 11 हो गया। तो चेंज किसको किया, R1 को चेंज किया, R2 R3 एज इट इज रह जाएगा, तो डेल्टा और डेल्टा 1 की वैल्यू सेम होगी, ठीक है ना। उसके बाद आ जाओ, अब हमने क्या किया कि ये हमारा डिटर्मिनेंट तो डेल्टा 1 हो गया। अब हमने सेकंड कॉलम को चेंज किया,
क्या किया, सेकेंड कॉलम में थर्ड कॉलम को माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करके सेकेंड कॉलम से सब्ट्रैक्ट कर दिया। मतलब क्या हुआ, थर्ड कॉलम के हर एक एलिमेंट को माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करके सेकेंड कॉलम के क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स में सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो हम चेंज क्या हो रहा है, हमारा सेकेंड कॉलम चेंज हो रहा है, हमने इसको मल्टीप्लाई किया थ्री से, तो ये क्या हो गया माइनस 33, तो 16 माइनस 33 माइनस 17। फिर यहाँ इसको मल्टीप्लाई किया थ्री से, तो क्या हो जाएगा थ्री से होगा तो 9, 7 माइनस 9 माइनस 2। फिर इसको थ्री से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया माइनस, थ्री से मल्टीप्लाई किया तो 15, तो 2 माइनस 15 माइनस 13। या तो तुम ऐसे बोल दो कि थर्ड कॉलम के हर एक एलिमेंट को थ्री से मल्टीप्लाई करके सेकेंड कॉलम के क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स में सब्ट्रैक्ट कर दिया, ऐसे बोल लो, या तो तुम ऐसे बोलो कि थर्ड कॉलम के हर एक एलिमेंट को माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करके सेकेंड कॉलम के क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स में ऐड कर दिया, ये भी चल जाएगा। तो यहां भी हमारा क्या हो गया, डेल्टा वन डेल्टा टू जो डिटरमिनेंट मिला ये डेल्टा वन डिटरमिनेंट के इक्वल है, और डेल्टा वन किसके इक्वल है, डेल्टा के इक्वल है। इसका मतलब डेल्टा डेल्टा वन डेल्टा टू तीनों आपस में इक्वल है, ठीक है।